Hello dear student, I am Varun Kumar Nishad from LPM school. In this video we will talk about the mixture. Mixture is anything, or in other way the mixture is a form of matter. Mixture is a form of matter which consists of element or compound. Element two are more element or compound. Simply mixed together. Together in any proportion. Simply mixed together in any proportion. Mixture एक ऐसा things, ऐसा form of matter है जो दो या दो से अधिक element या compound से मिलकर बना होता है और वो simply mix होता है. जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन फिलिंग या आयरन का पाउडर है, कॉपर का पाउडर है और सल्फर का पाउडर है, आपस में आपने मिक्स कर दिया तो एक मिक्सचर बन गया. कोई सैंड है, सैंड और सॉइल अलग अलग चीजें होती हैं, आपस में मिक्स हो गए तो कोई एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, बट कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है. तो मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ two or more element or compound simply mixed together in any proportion that is called mixture. Mixture actually we are surrounding from various types of mixture. Starting from air, our atmosphere. It is a mixture of different types of gases. Like atmosphere को लेते हैं, atmosphere contain, first example है atmosphere. It is consist of oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा. एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस आर, दीज गैसेस आर डिजॉल्व और मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते. बट रैंडमली हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना परसेंट है, डस्ट पार्टिकल इतना परसेंट है. एक 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 फेट मैप बनाते हैं. बट एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट गन पाउडर जो मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कॉमा सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड स्टेनलेस स्टील.
मैक्सिमम चीजें आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल, क्रोम। ये स्टेनलेस स्टील इज मेड अप फ्रॉम आयरन, निकल एंड क्रोमियम। आयरन, निकल एंड क्रोमियम, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। तो दीज आर द मिक्सचर। अलॉय बेस एग्जाम्पल ऑफ अलॉय, ये भी अलॉय का ही एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। ब्रास, ब्रास इज नॉट फाउंड इन द नेचर। पीतल, वैसे आप देखते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड, देखते हैं ब्रास का एग्जाम्पल, ये तो आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ब्रास, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, अलॉय बोलते हैं इनको, अलॉय, अलॉय। मिक्सिंग अप टू मेटल्स लाइक, पहला एग्जाम्पल है अलॉय का ब्रास, ब्रास। तो ब्रास किसका मिक्सर होता है? कॉपर, जिसमें कितना परसेंट होता है? 60%। जिंक कितना परसेंट होता है? 40%। एक अनुमान लगाते हैं, बट इट डज नॉट कम इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है इनका, इसलिए इनको हम मिक्सर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल जो एथलीट को मिलता है या फिर स्पोर्ट पर्सन को मिलता है, ब्रॉन्ज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर विच इज 80% कॉपर एंड टिन, एसएन, टिन, टिन बोलते हैं इसको, टिन, टिन कितना परसेंट होता है? 20%। तो ये डियर स्टूडेंट है ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर 80% होता है और उसमें टिन, एसएन सिंबल है टिन का, 20% होता है ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज वाला में कितना होता है? कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है। सो दीज आर द मिक्सचर। मिक्सचर में कोई जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर विच कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, इट मे बी एलिमेंट और कंपाउंड, सिंपली मिक्स टूगेदर इन एनी प्रपोर्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। एग्जाम्पल आपने दो तीन एग्जाम्पल और आपने देख चुके हैं। लास्ट एग्जाम्पल मैंने बताया अलॉय, अलॉय का एग्जाम्पल क्या है? ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास में कितना परसेंट कॉपर होता है? 60%। और जिंक कितना परसेंट होता है? 40%। ब्रॉन्ज कितना होता है कॉपर, ब्रॉन्ज में कितना कॉपर होता है? 80%। और टिन आपका होता है 20%। नाउ characteristics of mix. characteristics of mix. First, it form mixed formed by two or more substances, mixed physically, mixed ये definition भी हो सकता है, mixed physically in any proportion in any proportion, it have not fixed
fixed boiling point and melting point. मिक्सर का ना तो फिक्स होता है क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड मिक्सचर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स बाय simply physical method physical method. हम मिक्सचर को इजी वे में सेपरेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर आपने सेपरेट करना है. इजी वे में सेपरेट कर देंगे आप आयरन नेल को सॉरी आयरन पाउडर आयरन फिलिंग को आप मैग्नेट से मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू आप इजी वे में सेपरेट कर सकते हैं और कॉपर पाउडर सल्फर पाउडर अलग हो जाए. दैट इज दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपली फिजिकल मेथड. एंड फोर्थ मिक्सचर मे बी homogeneous and heterogeneous homogeneous means thoroughly mix हो जाते हैं. heterogeneous मान लीजिए कॉपर का कॉपर का और सैंड का आपने मिक्सर बना दिया तो वो मिक्सर तो बन गया बट कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए. जैसे मान लीजिए अब होमोजेनियस का एग्जांपल क्या लेंगे होमोजेनियस का मान लीजिए सुगर आपने लिया और सुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो सुगर को आपने वाटर में डिजॉल्व करा तो आप प्रॉपर डिजॉल्यूशन के बाद सुगर आपको नजर नहीं आता सुगर का कोई भी पार्टिकल नजर नहीं आता है वहां वो किस में मिक्स हो गया वाटर में मिक्स हो गया. तो ये मिक्सचर किस टाइप का मिक्सर है इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर विच मीन्स द सॉल्यूट आर वन पार्ट ऑफ मिक्सचर इज mixed thoroughly in another part of mixture. एक part mixture का दूसरे part में completely mix हो गया तो उसको बोलेंगे homogeneous. Alloy जो होते हैं वो homogeneous mixture होते हैं. और कोई sand या salt मिला दिया आपने sulfur powder मिला दिया sulfur और iron filling मिला दिया आपने तो क्या है heterogeneous mixture तो बन गया but proper में एक दूसरे में uniformly mix नहीं. Mixture does not have fixed formula. These are the characteristics of mixture. And now so dear student, it is a characteristics of mixture. First is it formed by two or more substances mixed physically in any proportion. ये thoroughly हम hand से mix कर देते हैं but कोई composition नहीं होता है any proportion किसी भी proportion में mix कर देते हैं. Mixture have not fixed boiling point and melting point. क्योंकि जब उसका composition ही same नहीं होगा composition या proportion definite नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो एक प्रॉपर वे में कॉम्पोजिशन ना होने की वजह से ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा ना तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा. थर्ड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपली फिजिकल मेथड. हम सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं इवन वो अगर सुगर का सोल्यूशन भी तब भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइजेशन ऑपरेशन करेंगे उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे हम अपना जितना सुगर डिजॉल्व किए थे वो सुगर हमको क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा. फोर्थ मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस. मिक्सचर दो तरह का हो सकता है होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस. फिफ्थ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स फॉर्मूला. मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है. नाउ
another topic of mixing we will discuss in the next video. Thank you.